आदाब नाजरीन, SYS चैनल में आपका इस्तकबाल है। कुछ दिन पहले बालापुर PS लिमिट में इलियास नाथ के मर्डर का वाकया पेश आया था। उस केस में सारे मुजरिमीन को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया, और DCP रचाकोंडा ने मीडिया से बात करते हुए इस मर्डर केस की तफसीलात बताई। आइए दिखाते हैं DCP ने इस मर्डर केस के बारे में क्या कहा। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। पहले हमारा बालापुर पुलिस स्टेशन में एक इलियास नवाब करके राउडी शीटर का मर्डर हुआ था नाइट के टाइम पे। उस केस में आज हमने केस को डिटेक्ट करते हुए 8 जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन सबको अरेस्ट किया है। उन सबके डिटेल्स ये हैं। जो पहला जो मेन एक्यूजर जिसने सारा काम प्लान किया और अंजाम दिया वो साले बिन हाफिज़ महरूस है। दूसरा है उसका भाई है अबू बकर बिन हाफिज़ है। बाकी के जो 6 लोग हैं वो हैं इस्माइल बिन अब्दुल अजीज़, जाफिर बिन हवाली, बाबर हामदी, शेख मजिद अल हसन, इब्राहिम मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल कसेरी और मुनासिर अमीर बरासिर। इनमें जो बाबर हामदी और मुनासिर अमीर बरासिर हैं ये दोनों लोग बालापुर एरिया के रहने वाले हैं। बाकी के लोग चंद्रयान भुट्टा एरिया के रहने वाले हैं। जो जाफिर बिन हवाली है इसके ऊपर चंद्रगाम भुट्टा पुलिस स्टेशन में रौडी शेख हुई है। तो बेसिकली वाकया ये है कि जो मरने वाला है इलियास नवाब उसका और जो मेन एक्यूज है हाफिज़ महरूस इसके साथ में इसका बिजनेस रिलेशनशिप था। इन दोनों ने मिलकर रियल इस्टेट का कुछ बिजनेस किया। बाद में दोनों में आपस में डिफरेंसेस आ गए, कुछ रंजिशें हुई और उन्होंने साथ में काम करना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इनके बाद में कुछ इश्यूज चलते रहते थे, एक दूसरे के ऊपर शक करना, कुछ ना कुछ करते रहना वैसे। तो इसी तरह चलते हुए ये 20 तारीख के दिन एक आदमी है ज़करिया बाम, वो जो मरने वाला इलियास नवाब उसके घर के सामने से गुजरा तो उसको CCTV फुटेज में कवर हो गया। तो 20 तारीख के दिन ही ये 8 लोग जो है एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे डिसीज के घर से थोड़ी दूर में। वहाँ पे जो 8 लोग बर्थडे पार्टी करते उसमें ज़करिया नवाब भी आया। तो वहाँ पे जो डिसीजन इलियास नवाब उसने उसको कॉल किया कि तुम मेरे घर से आगे से निकल के गए, और वो लाउड स्पीकर पे बात कर रहा था। तो लाउड स्पीकर में बात करते हुए जो इलियास नवाब है उसने उसको गालियाँ भी देनी शुरू कर दी एवान को, हाफिज़ महरूस को। तो गालियाँ देते हुए उसने उससे फ़ोन पकड़ के खुद से बात की और दोनों ने एक दूसरे को धमकियाँ देनी और एक दूसरे को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। तो वहीं पे इन लोगों ने प्लान कर लिया कि हम इसको ख़त्म कर देंगे इलियास नवाब को। इसके साथ ही पहले का इंसिडेंट ये था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इलियास नवाब इसका एक लैंड है चंद्रयान भुट्टा एरिया में, वहाँ पे लैंड में कुछ उसने CCTV कैमरास वगैरह लगाए हुए हैं। वो CCTV कैमरास कोई चोरी करके ले गया करके इसको कुछ कंप्लेंट भी इसने दिया है, और वो चोरी करने वाला जो है इसमें इसका पक्का हाथ है साले हाफिज़ महरूस का, एवन का, वो भी इसको डाउट था। तो इसकी वजह से भी इन दोनों में काफ़ी रंजिश चल रही थी। तो जैसे ये 8 लोगों ने प्लान किया तो प्लान के हिसाब से ये लोग बर्थडे पार्टी